गुड मॉर्निंग क्लास, आज हम ट्री ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ट्री ड्रॉ कर दिया है मैम ने, और उस पर हम क्या करेंगे, कॉटन की इम्प्रेशन। ठीक है, कॉटन इम्प्रेशन के लिए हमने कॉटन लिया है। ठीक है, कॉटन लेंगे और आपने लेना है वाटर कलर, पोस्टर कलर, वाटर कलर। ठीक है, और मैंने वाटर कलर को पहले थोड़ा सा गीला कर लिया है। आपने क्या करना, कॉटन लेना है और कॉटन को पानी में डीप करना है। ठीक है, पानी में डीप करने के बाद आपने एक्स्ट्रा वाटर उसमें से निकाल लेना है। ठीक है, ऐसे कॉटन का बिल्कुल पानी आप निकाल लेंगे। उसके बाद आपने कलर में उसको, कलर एकदम लिक्विड नहीं होना चाहिए, हल्का सा लिक्विड, और इसमें आपने क्या करना है, कलर यूज़ करना है। हमने सबसे पहले ग्रीन का यूज़ करना है, और उसके बाद आपका जो ट्री है उस पर आपने कॉटन का इम्प्रेशन देना है, ऐसे इस तरीके से। ग्रीन के 2 या 3 शेड्स होते हैं, लाइट एंड डार्क। आपने दोनों को मिक्स करके, ठीक है, दोनों में कलर आपने डीप करना है, और उसके बाद आपने ट्री को कॉटन की हेल्प से कलर करना है। इस तरीके से हम देखिए आपका पूरा ट्री कंप्लीट हो गया है। फिर हमने क्या करना है, नीचे स्टैम्प आर्ट को हम लोग ब्राउन से करेंगे। अब स्टैम्प आर्ट के हम नीचे वाला हिस्सा करेंगे, तो इसे ब्राउन कलर ले लिया मैंने कॉटन में, और इस तरीके से हमारा कॉटन इम्प्रेशन डन हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने पूरा ट्री पर कॉटन इम्प्रेशन कर लिया है। ये देखिए आपका ट्री कैसा लग रहा है। इसी तरह आपने अपने ड्राइंग की फाइल में भी करना है। ठीक है, और पेज नंबर 19 में भी इसको डन करना है। थैंक यू क्लास।